Good morning everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. तो बच्चों आज आपकी है हिंदी क्लास. तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नया व्यंजन लेकर आई हूँ. और आपको पता है वो व्यंजन कौन सा है? व्यंजन ख. तो हम शुरू करते हैं अपना व्यंजन ख. तो पहले हम सीखेंगे कि व्यंजन ख से क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन से शब्द होते हैं. ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं. तो बच्चों आपकी हिंदी की जो किताब है उसमें आप पेज नंबर 40 पर देख सकते हैं हमारा व्यंजन ख. तो हम पहले देखते हैं व्यंजन ख से क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन से शब्द होते हैं. ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम ख. व्यंजन ख. ख से खिड़की. ख से खत. खत मतलब लेटर. ख से खरबूजा. खरबूजा कौन कौन खाता है? सभी खाते होंगे. ख से खीरा. खीरा भी सब खाते हैं. ख से खटमल. खटमल क्या होता है? खटमल एक कीड़ा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर. ख से खटमल. ख से खरगोश. ख से खाट. खाट क्या होती है? बैठने की एक चीज़ होती है जिस पे हम बैठते हैं, उसे क्या बोलते हैं? खाट, है ना? आप देख सकते हैं ये चित्र में, खाट. ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें भी हम पढ़ते हैं. ख से खत, जो अभी हमने यहाँ पढ़ा था. ख से खत. ख से खेल. खेल क्या होता है बच्चों? हम खेलते हैं ना, बैट बॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं. खेल, खेल मतलब गेम. के खिलौना. खिलौना मतलब टॉय. हमारे पास, सबके पास खिलौने होंगे ना, डॉल है, बैट बॉल है सबके पास, और टेडी बेयर है, ये सब क्या है? टॉय. टॉय मतलब खिलौना. खेत. खेत क्या होते हैं बच्चों? जहाँ फसल होती है. हमने अभी इससे पहले व्यंजन फ पढ़ा था, उसमें हमने फसल पढ़ा था ना, फसल, गेहूं की फसल और चावल की फसल, तो उसको हम क्या कहते हैं? खेत बोलते हैं. खेत में हमारी फसल होती है. ठीक है बच्चों, ख से खरबूजा. खरबूजा जो अभी हमने यहाँ पढ़ा, ख से खरबूजा. ख से खरगोश. खरगोश भी अभी हमने यहाँ पढ़ा, ख से खरगोश. ख से खाट जो अभी हमने यहाँ पढ़ा, ख से खाट. ख से खीरा. ख से खीरा. ख से खिड़की. खिड़की. फिर ख से खटमल, जो हमने यहाँ अभी पढ़ा था. ख से खटमल. खटमल क्या होता है बच्चों? एक कीड़ा होता है ना, उसे बोलते हैं खटमल. तो बच्चों अभी हमने ख से जो शब्द होते हैं वो हमने देखे थे, ख व्यंजन से क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन से शब्द होते हैं. ठीक है, अभी हमने सब शब्द पढ़े. अब हम सीखेंगे व्यंजन ख कैसे लिखते हैं. ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताती हूँ ख कैसे लिखा जाता है. आप सबने र से रथ बनाना तो सीखा होगा. र ऐसे बनाते हैं, है ना? र बनाना सबने सीखा है. तो इसी तरीके से हम ख भी बनाएंगे. र हम ऐसे बनाएंगे, पर हम
नीचे से ऊपर इसकी एक नीचे फिर एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से हम घुमा देंगे और ऊपर ले जाकर नीचे एक सीधी लाइन खींचेंगे, मतलब स्टैंडिंग लाइन। फिर उसके अंदर हम व बनाएंगे। व तो सबने सीखा था अभी, हमने व से वन बनाना, तो ये व। तो देखो बच्चों क्या बन गया हमारा ये व्यंजन, ख, ठीक है। फिर से हम एक बार और लिखते हैं, रा की तरह बनाएंगे और नीचे से उसको घुमाकर ऊपर ले जाएंगे और नीचे सीधी लाइन खींचेंगे और उसके अंदर हम व व्यंजन व बना देंगे। तो क्या हो जाएगा ये हमारा व्यंजन ख। तो बच्चों सबको समझ आया ना खा कैसे बनता है, खा व्यंजन। ऐसे ही आपको अपनी बुक में भी लिखना है। हम रा बनाएंगे और इसको नीचे से ऊपर घुमा देंगे और फिर नीचे लाके एक सीधी रेखा बनाएंगे, मतलब स्टैंडिंग लाइन, और फिर व बना देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, ख, ख से खरगोश, खा से खटमल, ठीक है बच्चों। ये आपका होमवर्क है, ये आपको अपनी बुक में करना है। और नीचे दो गतिविधि मतलब एक्टिविटी दी गई हैं, इसे भी आपको करना है। तो पहले हम देखते हैं इसमें क्या करना है। ख अक्षर को पहचानो और रंग भरो। अक्षर मतलब व्यंजन, व्यंजन को ही हम अक्षर बोलते हैं। तो ख व्यंजन को हमें देखना है। यहाँ देखेंगे सब ख कहाँ कहाँ लिखा है और उसमें आपको रंग भरना है, ठीक है। ठीक है बच्चों। और नीचे है चित्र पहचानो, शब्द बोलो और ख लिखो, ठीक है। आपको ये चित्र पहचानने हैं और ज़ोर से ज़ोर ज़ोर से आपको जो है शब्द बोलना है कि ये कौन सा चित्र है, इसका नाम क्या है और इस चित्र को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ये शब्द आपको बोलने हैं और ख लिखना है, क्योंकि हमने व्यंजन ख सीखा है ना, खा से क्या क्या होता है, ये यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। तो आपको यहाँ ख लिखना है, व्यंजन ख, ख से खरगोश, ख से खिड़की, ख से खाट, ठीक है। आपको ये चित्र पहचान कर और शब्द बोलने हैं और यहाँ पर व्यंजन लिखना है, ठीक है बच्चों। ये आपका बुक का होमवर्क है, ये आपको करना है। ये 41 पेज नंबर पर आपका ये होमवर्क है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ डेट लिखेंगे और HW मतलब होमवर्क, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में भी ये व्यंजन लिखना है। यहाँ डेट लिखेंगे, यहाँ HW होमवर्क, व्यंजन ख। इसमें भी आपको मैं बताती हूँ कैसे व्यंजन लिखना है। आपको रा बनाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर सीधी रेखा खींचेंगे और व बना देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, व्यंजन ख, ठीक है बच्चों। तो ये आपका होमवर्क है, आपको हिंदी की नोटबुक में भी करना है और बुक में भी करना है। और आप ये होमवर्क करके मुझे भेजेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मैं आपके लिए एक नया व्यंजन लेकर आऊँगी और उसको हम सीखेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।